नमस्कार मित्रों, हार्दिक अभिनंदन है आप सभी का एस्ट्रो साइंस चैनल में। 2022 का नया साल मिथुन राशि वालों के लिए किस तरह का रहने वाला है, क्या बड़े बदलाव इस साल में ग्रह स्थिति के चलते आपके लिए रहेंगे, आज हम आपके साथ यही साझा करेंगे। और मित्रों, ये प्रिडिक्शन चंद्र राशि पर आधारित है। देखिए, हर नए साल के साथ हर एक व्यक्ति बहुत सारी उम्मीदें करता है, तो मिथुन राशि के जातक, आपने भी कुछ उम्मीदें 2022 के साल से जरूर लगा के रखी होगी। देखिए, नया साल आपके जीवन में बहुत सारे बदलाव लेकर आने वाला है। 2022 के शुरुआत में आपके लिए शनि देव की ढैया चल रही होगी, लेकिन जैसे ही 22 अप्रैल आएगा, इस दौरान से आपके लिए शनि देव की ढैया समाप्त होगी। और इसी के साथ बात करेंगे आपके ग्रहों की स्थिति को लेकर, आपका कैरियर, आर्थिक स्थिति, रिलेशनशिप और स्वास्थ्य किस तरह का रहेगा, इन्हीं विषयों पर आज हम इस वीडियो में विस्तृत रूप से बात करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। चलिए मित्रों, आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आपके कैरियर की, आर्थिक स्थिति की, साथ ही बात करेंगे आपके लिए धन की। तो अगर धन की बात करें तो साल के शुरुआत में जो आपके लिए धन की स्थिति है वह बेहतर है। मिथुन राशि वालों के लिए जनवरी, फरवरी, मार्च, ये जो तीन महीने हैं, आपको गुप्त तरीके से धन की प्राप्ति होने वाली है। आपके जीवन में धन तो आएगा, लेकिन लॉटरी जुए से दूर रहें, नहीं तो धन हानि भी आपके लिए हो सकती है। क्योंकि 2022 के शुरुआत में अगर आप अच्छी तरह से आगे नहीं बढ़ते हैं, तो चीजें आपके लिए विपरीत दिशा में भी जा सकती हैं। इस नए साल में आपके भाई के भाव में, नवम भाव में जब शनिदेव जाएंगे, तब आपके जीवन में जो धन की मुश्किलें थी वो समाप्त हो जाएंगी। और देवगुरु बृहस्पति जब मीन राशि में गोचर करेंगे, तब वे भी आपके नवम भाव को प्रभावित करेंगे। अब यहाँ पर आपके लिए आकस्मिक धन प्राप्ति के योग बनते हैं। मंगल, शुक्र और गुरु, ये तीनों ही ग्रह आपके लिए आकस्मिक धन प्राप्ति के पूर्णतः योग बनाएंगे। हालांकि ग्रह स्थिति के चलते मई के महीने में आपके खर्चे बढ़ेंगे, साथ ही धन के दृष्टिकोण से थोड़ी मुश्किलें आ सकती है, बेवजह आपके खर्चे बढ़ सकते हैं। ऐसे में आपको थोड़ा सोच समझकर खर्च करने होंगे, चीजें करनी होंगी। हालांकि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन तीन महीनों में आपके जीवन में धन आने भी वाला है और आपके खर्चे भी बढ़ेंगे। इन तीन महीनों में अगर आप धन बचाने में कामयाब होंगे, तो आगे चलकर धन लाभ आपको और भी होने वाला है। क्योंकि जब हम लक्ष्मी बचाएंगे, तभी हम लक्ष्मी को कहीं अन्य जगह निवेश कर सकेंगे। लक्ष्मी ही हमारे घर लक्ष्मी लाती है, तो इस बात का मिथुन राशि के जातक ध्यान जरूर रखें। अब बात करते हैं आपके कैरियर की। क्योंकि शनि देव की ढैया आपके लिए वर्ष के शुरुआत में चल रही है, तो कैरियर के क्षेत्र में आपको खूब मेहनत करना है, खूब प्रयास करना है। आप जितना प्रयास करेंगे, जितना मेहनत करेंगे, उतना ही शनि देव आपको फल देंगे। कैरियर के क्षेत्र में आप बस एक्टिव रहिए, आलस्य को दूर भगाइए। मिथुन राशि के जातकों के लिए दशम भाव के जो स्वामी है, वो आपके ही राशि में आपके लिए भाग्य उदय का द्वार खोल कर रखे हैं। अब मंगल देव की शुरुआत में आपके कार्य क्षेत्र में है, तो यकीनन आपको अपने सहकर्मियों से आपके जॉब के क्षेत्र में सहायता प्राप्त होगी। वरिष्ठ अधिकारियों से भी आपको प्रशंसा मिल सकती है। इसके साथ ही अगर आप अपना परिश्रम बनाए रखें, तो प्रमोशन के योग भी आपके लिए बन सकते हैं। देखा जाए मिथुन राशि के जातकों के लिए जॉब और व्यवसाय के क्षेत्र में जनवरी से लेकर मई तक का वक्त बहुत ही अनुकूल रहने वाला है। क्योंकि शनि देव आपसे मेहनत खूब करवाने वाले हैं और उसका फल भी आपको देने वाले हैं। हालांकि जो जून और जुलाई का वक्त है, आपको थोड़ा बचकर रहना है, लोगों पर ज्यादा विश्वास ना करें, बेवजह के झगड़ों में ना पड़े, तो इन चीजों से आपको जीवन में परेशानी हो सकती है, इस बात का ध्यान रखें। जो मिथुन राशि के जातक कैरियर के दृष्टिकोण से नया जॉब पाना चाहते हैं या फिर जॉब चेंज करना चाहते हैं, उनके लिए जॉब पाने और जॉब चेंज करने के अच्छे योग बन रहे हैं। क्योंकि आपके दशम भाव, कर्म भाव, मुनाफे के एकादश भाव में गोचर करेंगे, तो इससे आपके लिए कैरियर के क्षेत्र में नए अपॉर्चुनिटीज के योग बनते हैं। तो जो जातक नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें मनचाही नौकरी भी मिलेगी और जो व्यवसाय करते हैं, वर्ष के अंत में उनके लिए बहुत ही अच्छा रहने वाला है। यूं समझ लीजिए कि वे इस साल के अंत में पूरी तरह धन छापने वाले हैं। मित्रों, कैरियर की बात जब हम कर ही रहे हैं, तो बात करते हैं विद्यार्थियों की। तो जो विद्यार्थी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ऐसे में आपके लिए बढ़िया योग बन रहे हैं। विद्यार्थियों के लिए ज्ञान और सौंदर्य के कारक जो गुरु हैं, वे आपके जीवन में नवम भाव में आकर
विद्यार्थियों के लिए शिक्षा के भाव में पूरी तरह दृष्टि कर रहे हैं। तो ऐसे में अप्रैल, मई, जून, जुलाई ये 3 महीने विद्यार्थियों के लिए बहुत ही उत्तम रहने वाले हैं। विद्यार्थी इन महीनों में महसूस करेंगे कि उनके एकाग्रता में बढ़ोतरी हो रही है। वे जिन भी चीजों में अपना दिमाग लगा रहे हैं वो जल्दी ही उन चीजों को समझ पा रहे हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि आप अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं, नौकरी के लिए कोई एग्जाम्स दे रहे हैं, तो ऐसे में आपके लिए सफलता प्राप्ति के योग अधिक बन जाते हैं। देखिए 2022 में मिथुन राशि वालों के लिए भाग्योदय होने के योग है। तो जो विद्यार्थी हैं वे एकदम कॉन्फिडेंस के साथ आगे बढ़े, बस आप जो भी पाना चाहते हैं उन चीजों में लग जाए, सफलता आपके कदम चूमने वाली है। खासकर जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उन्हें विशेष लाभ मिलेगा। तो मित्रों, कैरियर, आर्थिक स्थिति, धन की स्थिति आपके लिए बहुत ही अच्छी रहने वाली है। शनिदेव आपको ढैया में भी जीवन मूल्यों को सिखाएंगे और जैसे ही ढैया समाप्त होगी चीजें आपके लिए और बेहतर होते हुए चली जाएंगी। तो 2022 का मिथुन राशि के जातक बिल्कुल आप आनंद लेने वाले हैं। बात करते हैं इस नए साल में आपके संबंध की, घर परिवार जनों के साथ संबंध, आपका दांपत्य जीवन, आपका प्रेम जीवन किस तरह का रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के लिए पारिवारिक जीवन 2022 में बहुत ही सुखद रहने वाला है, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि आपके द्वितीय भाव में रहेगी। हालांकि मिथुन राशि के जातक मई और जून के महीने में परिवार में कम समय दे पाएंगे, क्योंकि मंगल, शुक्र और गुरु की युति आपको अपने कर्मस्थल पर ज्यादा मेहनत करवाने वाला है। इसी कारण आप परिवार को ज्यादा समय नहीं दे पाएंगे। तो छोटी मोटी परेशानी आपके जीवन में आ सकती है, लेकिन अगर आप धैर्यपूर्वक और सहनशील होकर चीजों को सुलझाएं तो आपके लिए पारिवारिक जीवन बहुत ही अच्छा रहेगा। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि मंगल देव आपको जमीन मकान का सुख भी देने वाले हैं, यानी आप अपना मकान, भूमि, भवन जैसी चीजों का आप प्राप्ति कर सकेंगे। बात करें अगर मिथुन राशि के लिए दांपत्य जीवन की, तो आपके जीवन साथी के साथ आपके संबंध और मजबूत होंगे। मन मुटाव तो है, लेकिन ये मन मुटाव जैसे ही अप्रैल का वक्त बीतेगा आपके लिए सुलझने वाले भी हैं। आप अपने दांपत्य जीवन में बस इस बात का ध्यान रखें, घुमा फिरा कर चीजों को ना सोचें और अपनों के साथ सिंपल तरीके से अगर आप रहें तो किसी भी तरह का रिलेशनशिप आपके लिए शांतिपूर्वक ही चलेगा। बुध देव आपके सप्तम भाव में विराजमान है, तो आपके लिए यात्राओं के योग भी बनेंगे। तो दांपत्य जीवन में वर्ष के लास्ट क्वार्टर में यानी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर आप कहीं लंबी यात्रा पर जा सकते हैं अपने जोड़ीदार के साथ, जिससे आपके संबंधों में और मिठास आएगी, मधुरता बढ़ेगी। तो मिथुन राशि के जातक परिवार के साथ आपका समय बेहतर है। बात करते हैं आपके प्रेम जीवन की। जो जातक प्रेम संबंध में है उनके लिए इस वर्ष के शुरुआत में विवाह के योग बन रहे हैं। हालांकि अगर वर्ष के शुरुआत की बात करें तो मंगल देव आपके सप्तम भाव में हैं, आपके लिए विवाह स्थान पर बैठे हैं, साथ ही आपके लग्न या प्रथम भाव को दृष्टि करेंगे, लेकिन यहाँ पर वे आपके लिए मांगलिक दोष बनाकर बैठे हैं। देखिए मांगलिक दोष में अच्छी चीजें ये होती है कि आप बहुत कॉन्फिडेंट होते हैं, आपका आत्मविश्वास बढ़ा हुआ रहता है और ऐसे में जीवन में धन भी खूब आता है। तो मिथुन राशि के जातक इस समय आपको मंगल देव धन की प्राप्ति खूब करवाने वाले हैं। मांगलिक दोष के कारण जो 17 अप्रैल से जून तक का वक्त है, इसमें प्रेम जीवन में थोड़े मनमुटाव है, थोड़ी सी झगड़े जैसी चीजें हैं, तो आपको इन्हें सहनशीलता से संभालना होगा। हालांकि आपके परिवारजनों के साथ आपकी नजदीकियां बढ़ेंगी, अपनों के साथ आप वक्त भी बिताएंगे। मिथुन राशि वालों के लिए प्रेम जीवन 2022 में अनुकूल ही रहेगा। हालांकि जो भी छोटी छोटी समस्या आपके समक्ष उत्पन्न हो उनका इशू मत बनाइए, जीवन में सहन करना भी सीखें। मित्रों बात कर लेते हैं आपके स्वास्थ्य के लिए। देखिए स्वास्थ्य को लेकर शनिदेव के जो ढैया चल रही है शुरुआत में थोड़ा आपके लिए परेशानी है। 16 जनवरी से लेकर अप्रैल तक के वक्त में आपके जीवन में शारीरिक समस्या उभर कर आ सकती है। इस दौरान आप अपने स्वास्थ्य को इग्नोर नहीं कर सकते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान आपको बिल्कुल रखना है। वैसे स्वास्थ्य को लेकर आपको ज्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस दौरान आपको गैस की प्रॉब्लम, सर्दी जुकाम, एसिडिटी, जॉइंट पेन, मसल पेन ऐसी चीजें
हो सकती हैं। तो अगर आप ध्यान रखें तो इन चीजों से आप पार भी पालेंगे। मिथुन राशि के जातक, आप अपने जीवन में नकारात्मक चीजों से बाहर निकले, क्योंकि अगर आप अपने जीवन में नकारात्मक सोच रखेंगे, जीवन के परिस्थितियों में अगर आप ज्यादा मानसिक टेंशन ले लेते हैं तो आपके स्वास्थ्य में इस दौरान गिरावट आ सकती है। तो अपने खान पान का ध्यान रखें, पॉजिटिव रहे जीवन में, स्वास्थ्य आपका अच्छा चलेगा। 2022 में आपके परिवारजनों के स्वास्थ्य भी अच्छे रहेंगे, बस आप अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। मिथुन राशि के जातक, जाते जाते और एक बात, 2022 में क्या आप कर सकते हैं जिससे आपके जीवन में फल की प्राप्ति शीघ्र ही हो। देखिए, सबसे पहले अपने राशि के स्वामी को बल दीजिए। रोज प्रातः स्नान के बाद ओम बुम बुधाय नमः का जाप करें, और अगर आप हर रोज शनिदेव की आराधना करें, प्रातः नहाने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें, साथ ही ओम संघ शनिचराय नमः का जाप करें, आपके लिए जीवन में फल की प्राप्ति शीघ्र ही होगी। तो मित्रों, आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। आशा करते हैं आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और ऐसी ही एस्ट्रोलॉजी की बातें आप अपने जीवन के लिए जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। धन्यवाद।